मैं रोशन जायसवाल एक बार फिर कोरोना के ताज़ा सूरत हाल को लेकर आपके बीच वाराणसी से आ पहुंचा हूं। देश भर में कोरोना काल के दौरान अस्पतालों की लापरवाही, दुर्व्यवस्था और तमाम कमियों की खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं, जिससे अब खुद पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी अछूता नहीं है। हालत तो ये हो गए हैं कि अब यहाँ पर मारामारी और कानून व्यवस्था तक बिगड़ने की नौबत आ गई है। ऐसा ही कुछ नज़ारा वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र के बच्छाव में स्थित एक निजी अस्पताल में तब देखने को मिला जब एक महिला परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाया और साथ के ही परिजनों ने वहां जमकर हंगामा और तोड़फोड़ कर दिया। महिला परिजन का साफ तौर पर कहना था कि अस्पताल में ज़बरदस्त लापरवाही हो रही है और न तो यहां कोई पैरामेडिकल स्टाफ कोविड मरीज को देखने वाला है, न ही यहाँ पर डॉक्टर हैं। महिला परिजन खुद को एक नर्स बता रही है और कह रही है कि जब से उनके पेशेंट को भर्ती कराया गया है तब से वह खुद ही उनका देखभाल कर रही हैं। इसी वीडियो के दौरान महिला परिजन के पेशेंट की तबीयत बिगड़ने लगती है और अस्पताल की ओर से वहां मौजूद स्टाफ की तरफ से उस पेशेंट की ज़िंदगी बचाने की कोशिश भी होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पेशेंट की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं वाराणसी से उस अगली खबर की जिसने साबित कर दिया है कि तमाम जीवन रक्षक दवाएं और ख़ास तौर से रेमडेसिविर को लेकर कालाबाजारी से वाराणसी भी अछूता नहीं है। जी हां, वाराणसी में क्राइम ब्रांच और दो थानों की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर धरपकड़ करते हुए कुल तीन लोगों को तीन रेमडेसिविर के वायल के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें भेलूपुर क्षेत्र में हुई कार्रवाई में सबसे चौंका देने वाली बात यह निकल कर आई कि पकड़ा गया युवक कहीं और का नहीं बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सोशल साइंस फैकल्टी का छात्र निकला। छात्र ने यह खुद बताया कि उसे ऑनलाइन क्लास करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने यह धंधा अख्तियार किया और 5,000 की लागत से इंजेक्शन खरीदा और उसे 15,000 रुपये में बेच भी चुका है। वह 4 वायल खरीद चुका था और 3 वायल को कालाबाजारी करते हुए 15,000 में बेच चुका है और उसके पास एक इंजेक्शन और बचा था जिसको बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो वहीं शहर के लहराबीर इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने दो युवकों को 2 वायल रेमडेसिविर के साथ गिरफ्तार कर लिया और यह भी 18,000 रुपये में बेचने की कोशिश की जा रही थी। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में लगने वाले 4 दिवसीय लॉकडाउन की। जी हां, सुनने में भले ही यह चौंका देने वाली बात लगे, लेकिन यह सच इसलिए होता दिख रहा है क्योंकि वाराणसी के व्यापारियों ने अब 29 अप्रैल से 2 मई तक के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का आह्वान किया है। तमाम व्यापारिक संगठनों ने एक मंच पर आकर यह फैसला लिया है कि वो अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके और एक बार फिर 4 दिनों के बाद बाज़ार अपने सामान्य हालातों के साथ खोला जा सके। इसलिए 29-30 के अलावा 1-2 तारीख को भी वाराणसी के बाज़ार बंद रहेंगे और शनिवार और रविवार को पहले से ही उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी का आदेश पारित हो चुका है, इसलिए वाराणसी में अब 4 दिनों की बंदी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुद व्यापारिक संगठनों में तमाम खेमेबाजी और गुटबाजी है और इसका सही अंदाज़ा अब 29 तारीख को बाज़ार के खुलने के समय पर ही होगा कि व्यापारिक संगठनों के दावे और वादे में कितना दम है और यह अपने बाज़ारों को बंद करा पाते हैं कि नहीं। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की। तो बुधवार की सुबह जारी बुलेटिन में भी 951 नए संक्रमित पाए गए हैं, जिसके मुताबिक अब कुल 19,000 से ज़्यादा कुल संक्रमितों की संख्या वाराणसी में देखने को मिल रही है। वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत में कमी थोड़ी सी ज़रूर कम हुई है और लोगों को ऑक्सीजन मिल भी रहा है, लेकिन अभी भी जीवन रक्षक दवाएं, ख़ास तौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन और तमाम जो मेडिकल उपकरण है उसके लिए भी जद्दोजहद मरीज और उनके परिजनों को करना पड़ रहा है। लिहाजा कालाबाजारी बनारस में चरम पर है और लोग इन चीज़ों के दाम चुकाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल वाराणसी से यूपी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी।